हेलो दोस्तों, सबसे पहले जीमेल अकाउंट बनाने के लिए एप्लीकेशन ओपन करते हैं गूगल क्रोम, और इस पर टाइप करेंगे सर्च बॉक्स पे google.co.in। गूगल सर्च होने के दाहिने साइड राइट कॉर्नर पे जीमेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यूज अनदर अकाउंट पर क्लिक करेंगे। मोर ऑप्शंस पे जाएंगे, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने पर एक पेज के सामने आएगा। इसी पे हमें अपनी कंप्लीट डिटेल फिल करनी है। नेम पे फर्स्ट दिया हुआ है, यहाँ पे आप अपना पहला नाम टाइप करेंगे जैसे कि शिवनिधन। लास्ट नेम पे जो आपका सर नेम हो या लास्ट नेम हो वो आप टाइप करेंगे। इसके बाद यूजर नेम आपको सेलेक्ट करना है जो यहाँ पे अकाउंट आपका क्रिएट हो जाए, जैसे कि टाइप करते हैं। और इसके बाद क्रिएट पासवर्ड पे जाएंगे, वो यूजर नेम ऑलरेडी ले चुके हैं इसलिए वो अकाउंट नहीं बनेगा। और यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कोई भी सजेशन के लिए जो अवेलेबल है, तो आप यहाँ से कोई एक ले सकते हैं या तो आप कोई दूसरा यूजर नेम सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे हम लेते हैं जो दिया हुआ है। इसके बाद पासवर्ड भी आप कुछ भी पासवर्ड दे सकते हैं, कम से कम 8 करेक्टर का होना चाहिए जो एक यहाँ दिया हुआ है। तो कोई भी हम पासवर्ड बना लेते हैं। इसके बाद सेम पासवर्ड टाइप करेंगे कंफर्म पासवर्ड पे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपकी वो टाइप कर लीजिए। जेंडर पे मेल फीमेल जो भी है वो टाइप कीजिए, और मोबाइल नंबर जो आपके पास हो वही नंबर टाइप कीजिए, और उस नंबर पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। और यहाँ पे करंट ईमेल आईडी पे कोई एक ऐसा अकाउंट टाइप कीजिए जो आपके पास ऑलरेडी बना हुआ हो। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे और आई एग्री पे क्लिक करेंगे। ये आपका अकाउंट है, इसे कहीं भी नोट करके लिख लीजिए और कंटिन्यू पे जीमेल पे क्लिक करिए। वेट कीजिए थोड़ा सा जब तक कि अकाउंट ओपन नहीं हो जाता है। ये अकाउंट आपका लोड हो रहा है। इस तरीके से आप अपना जीमेल अकाउंट बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ से आप इसको क्लोज पे भी क्लिक कर सकते हैं, या पूरे क्लोज करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आएगा उसको भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ से नेक्स्ट भी ऑप्शन ये दे रहा है, नेक्स्ट भी करके आप नेक्स्ट कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट क्लोज कर दीजिए, अकाउंट आपका तैयार है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे राइट साइड कॉर्नर पर आपका ईमेल आईडी का ये यूजर नेम और डोमेन नेम दिखाएगा। पासवर्ड आपने चुना है होगा वही होगा। यहाँ से आप बाहर भी आ सकते हैं या इसको ऑन रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।